हेलो कार लवर्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट एडवाइस यूट्यूब चैनल। जैसा कि फिर मैं आपके सामने बहुत ही मजेदार वीडियो साथ आया, जैसे कि आप थोड़ा ज्यादा समझ गए होंगे। जी हाँ बिल्कुल, जून 2024 में जो है टाटा ने जो है टाटा अल्ट्रोज जो है लॉन्च कर दिया है जो है, ठीक है। तो इस वीडियो में उसके बारे में हम फुल डिटेल जानने वाले हैं जो, ठीक है। उसके फीचर स्पेसिफिकेशन क्या है जो, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है जो है तो आप जो है उसका जो है उसके वेबसाइट से या फिर जो है मतलब कि आप पास आपको डीलर है तो उससे आप जो है मतलब कि बुकिंग करके आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। जो पसंद आता है जो आप जो उसको ले सकते हैं जो, ठीक है। चलिए फटाफट हम जो इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे तो ठीक है। तो जैसा कि टाटा मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपने प्रीमियम हैचबैक टाटा अल्ट्रोज का रेसर एडिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जो, ठीक है। टाटा मोटर्स वर्तमान में भारतीय बाजार की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, ठीक है। और अब टाटा अल्ट्रोज को रेसर एडिशन से जून 2024 में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जो, ठीक है। टाटा अल्ट्रोज रेसर एडिशन को पहली बार ऑटो एक्सपो 2023 में अनावरण किया गया था। इसके बाद इसे भारत मोबिलिटी एक्सपोर्ट 2024 में भी प्रदर्शित पर डिस्प्ले किया गया था जो है, ठीक है। टाटा अल्ट्रोज रेसर एडिशन में कई कॉस्मेटिक परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। इसे अब ग्लासी ब्लैक ORVM ग्रिल बम्पर हुड और रूफ के साथ ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स मिलने वाला है। इसके अलावा पीछे की तरफ रेसर एडिशन की बैचिंग दी गई है। टाटा अल्ट्रोज रेसर एडिशन का मुख्य आकर्षण इसके हुड से लेकर छत तक दी गई दो सफेद पट्टी है जो है, ठीक है। और इसमें देखिए अंदर की केबिन में भी इसे कई कॉस्मेटिक परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। अंदर की तरफ केबिन में अब इसके सीटों पर रेसर एडिशन की बैचिंग के साथ लाल और सफेद रंग की पट्टी देखने को मिलता है। इसके साथ अंदर डैशबोर्ड में कई स्थानों पर लाल एलिमेंट्स का प्रयोग और एक बड़ी टच स्क्रीन मिलने वाला है जो, ठीक है। अंदर केबिन जो है पूरा ब्लैक थीम के साथ पेश होने वाला है जो, ठीक है। और सुविधाओं में टाटा अल्ट्रोज रेसर एडिशन को जो है, जैसे कि बताया मैंने कि इसमें जो है 10.25 मतलब 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ, सॉरी साथ सामने की तरफ व्हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट के साथ हवादार सीट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो के साथ एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग एंड एयर प्यूरिफायर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एल्यूमिनियम पैडल, वॉइस असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ और साउंड सिस्टम जो है मिलने वाला है जो, ठीक है। और इसके जो है सेफ्टी फीचर के बारे में बात किया था, इसको देखिए इसमें जो है सिक्योरिटी फैसिलिटी भी इसको जो है मतलब इसे स्टैंडर्ड तौर पर 6 बैग यानी 6 बैग दिया हुआ है, एयर बैग मतलब दिया गया है जो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, सॉरी स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, हील हॉल असिस्ट, हील डिसेंट कंट्रोल, और इसमें जो है देखिए 360 डिग्री कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ आइसो फिक्स्ड चाइल्ड सीट माउंट मिलने वाला है जो है, ठीक है। और देखिए बोनट के नीचे इसे संचालित करने के लिए जो है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है जो, ठीक है। यह इंजन विकल्प 120 bhp और 170 Nm का टार्क जनरेट करने वाली है जो, ठीक है। इसके साथ ही इस इंजन विकल्प को 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ जो है लॉन्च किया जाएगा जो, ठीक है। और जैसे कि लॉन्च होने के बाद इसका जो है मुकाबला जो है मतलब इंडियन मार्केट में जो है हुंडई i20 N-Line के साथ होने वाला है जो है, ठीक है। तो यही है टाटा एल्ट्रोज का फुल डिटेल जो है, ठीक है। बाकी जो इसके बारे में जो हम जब जून 2024 लॉन्च होने के बाद इसका जो है मतलब कि जब मार्केट में आ जाएगा जो है तो फुल डिटेल आपको इसके बारे में जो है इसकी वेबसाइट से पता चल जाएगा। अगर गाड़ी आपको पसंद आती है तो आप अपने नज़दीकी शोरूम जो है या वेबसाइट से इसका जो है मतलब बुकिंग करके जो है मतलब इसका आप जो है टेस्ट ड्राइव जो है मतलब कि ले सकते हैं जो है, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर किया जाता है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर एक और मजेदार वीडियो के साथ मिलेंगे। चलिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।